हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से नया साल 2023 का पोस्टर बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप लोग देखते रहिए ताकि आप लोग भी इस प्रकार से नया साल 2023 का पोस्टर बना सको। दोस्तों, इस पोस्टर को बनाने के लिए जो भी PNG PLP मटेरियल यूज़ हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें एक पासवर्ड लगा हुआ है जो इस वीडियो में आप लोग को 3 स्टेप में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को PNG चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चरलैब एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चरलैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद राइट साइड कॉर्नर में ऊपर की साइड पे 3 डॉट के निशान पे क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करके ओपन PLP फाइल पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे PLP पे क्लिक करेंगे, यहाँ एरो के निशान पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमने फाइल को डाउनलोड करके सेव करके रखा हुआ है वहाँ से हम लोग फाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे न्यू ईयर बैनर PLP पे क्लिक करेंगे, ओपन एन ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे, उसके बाद बैक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा PLP फाइल ओपन हो जाएगा। अब इस PLP फाइल में हमको जो भी चेंज करना है वो चेंज करके हम लोग अपना पोस्टर तैयार करेंगे। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमको चेंज करना है उसे डिलीट करके या एडिट करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, समस्त देशवासियों को नया साल 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यहाँ पे जो नया साल जो लिखा हुआ है वो डीजी फॉन्ट है, इसकी जगह आप लोग के पास अगर कोई और डीजी फॉन्ट है तो वो उसे यूज़ कर सकते हो या फिर इसी को रहने दे सकते हो। और यहाँ पे जो ग्रेडियन कलर यूज़ हुआ है उसे भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी नया साल लिखा हुआ है वहाँ पे अनलॉक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ए वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके कलर वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रेडियन कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं या फिर सिंगल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको वापस लॉक कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने हैप्पी न्यू ईयर 2023 लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ भी आप लोग कलर चेंज कर सकते हो। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करना रहेगा और जहाँ भी हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ है वहाँ पे पेन अनलॉक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और वापस कलर वाले आइकॉन पे क्लिक करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ग्रेडियन कलर भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, देख सकते हो कलर चेंज हो रहा है, तो आप लोग को जो भी कलर पसंद है उसे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इसको भी लॉक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के आइकॉन के बगल में अपने चैनल का नाम लिखा है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अपने चैनल का नाम लिख सकते हो। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी लकी डिस्पोजल लिखा हुआ है वहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख के ओके कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों, यहाँ पे लकी डिस्पोजल जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपने बेटे का फ़ोटो PNG लगा रखा है। दोस्तों, आप लोग अपना फ़ोटो PNG यहाँ पे ऐड कर सकते हो या फिर अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का फ़ोटो PNG यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करना रहेगा और यहाँ पे इसको अनलॉक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे बीच वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करके टेक्सचर पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद गैलरी वाले आइकॉन पे क्लिक करना है और जहाँ भी हमने फ़ोटो सेव करके रखा हुआ है वहाँ से हम लोग फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे।
यहाँ से मैं ये वाला फ़ोटो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये लास्ट वाले यहाँ पे क्लिक करना है इस आइकॉन पे। उसके बाद इसको स्क्रॉल करके हमें जितना भी चाहिए उतना इसको कट करके ले लेना है। इसको स्लाइडली और कम कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने फ़ोटो पीएनजी चेंज कर दिया है। दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग अपना फ़ोटो पीएनजी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब दोस्तों इस पोस्टर को हम लोग गैलरी में कैसे सेव करें, इसके लिए शेयर वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे। इमेज फॉर्मेट में जेपीजी या पीएनजी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिटी डायमेंशन में अल्ट्रा सिलेक्ट करेंगे और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमारा पोस्टर गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग को किसी फेस्टिवल का या अपने शॉप का बैनर बनवाना है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोग मोबाइल से ही पोस्टर बना सको। दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।